सुशासनपुर में आपका स्वागत है। हम आप तक बिहार की सकारात्मक खबरों को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज के सुशासनपुर में एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि नए साल यानी कि 2021 के अप्रैल और मई महीने के बीच में बिहार में पंचायत के चुनाव होने को है। ऐसे में 300 के करीब ऐसे मुखिया हैं जो इस बार चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। उन पर पहले ही सरकार का चाबुक चल गया है। बाप इसे सोच रहे होंगे कि ये नकारात्मक खबर हम क्यों दिखा रहे हैं जब हम कहते हैं कि सुशासनपुर में सकारात्मक खबर दिखाते हैं। चलिए, इसमें भी एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि नए बिहार को जो एक नया चेहरा देने के रूप में लगे हुए, नए बिहार के कायाकल्प में लगे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये लिया है कि जो भी ग्राम पंचायत थे, बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायत थे जिनको जो है अब नगर निकाय बना दिया गया है, वहीं पूरे बिहार में 117 नए नगर निकायों का गठन हुआ। ऐसे में जैसे ही ग्राम पंचायत नगर निकाय बन गए तो ऐसे में वहाँ मुखिया का पद, सरपंच का पद, वार्ड का पद, उसके बाद हम बात करें पंचायत समिति का पद और पंच का पद, ये 6 पद ऐसे हैं वो तो समाप्त हो जाते हैं ना। तो ऐसे जब समाप्त हो गए तो ऐसे अगर कुल पूरे बिहार में कुल पंचायत की बात करें तो करीब 300 के आसपास पंचायत ऐसे हैं जिनमें इस बार जो है मुखिया का चुनाव नहीं होगा, यानी कि वहाँ के मुखिया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वहाँ के सरपंच चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उन सभी ग्राम पंचायतों को जो है प्रोन्नति दे करके नए नगर निकाय जो है बना दिए गए, उनको नगर निकाय बना दिया गया। जब नगर निकाय बने हैं तो बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जिनको तोड़ मरोड़ करके, बहुत सारे हिस्से को काट करके नगर निकाय में डाल दिया गया। तो ऐसे में वहाँ जो है मुखिया का पद स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे मुखिया हैं इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन बड़े पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए आपको जो एक और नियम है, पंचायती राज विभाग का नियम है, वो नियम कहता है कि किसी भी पद पर जो है आरक्षण जो होता है पंचायत स्तर पर वो 2 साल के लिए लागू होता है। 2017 में सीटों का आरक्षण जो है वो बदला गया था, माफ कीजिएगा, 2016 में सीटों का आरक्षण बदला गया था, लेकिन इसके बाद जो है अब चुनाव होने जो है 2021 में, इसमें भी बदले जाने थे, लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार की कैबिनेट ने अलग फैसला ले लिया, ग्राम पंचायत का स्वरूप बदल करके नगर निकाय बना दिए गए। तो ऐसे में आरक्षण तो वही लागू होंगे, लेकिन जो नए 117 नए नगर निकाय बने हैं उसके लिए नीतीश सरकार जो है लगा जल्द ही फैसला लेगी। पंचायती राज विभाग में इसको लेकर के मंथन शुरू हो गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार बूथ जो है वो भी बहुत सोच समझ के बनाया जा रहा है। कोरोना का काल है भाई, और जब बिहार विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुआ था उस दौरान 1000 मतदाता पर एक बूथ बनाया गया था, लेकिन चुनाव में यानी कि पंचायत चुनाव में 700 मतदाता पर जो है मतदाताओं पर एक बूथ बनाया जाएगा। कोरोना को देखते हुए नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने यह प्रस्ताव भेजा है चुनाव आयोग को कि ये जो चुनाव है पंचायत चुनाव उसे 9 चरणों में करवाया जाए। इससे क्या होगा कि किसी एक प्रमंडल में ज़्यादा दिन तक आचार संहिता लागू नहीं रहेगी। इसके साथ ये एक और बड़ी बात है कि नीतीश सरकार लगातार पंचायतों के विकास को लेकर के सजग दिख रहे हैं, और साथ ही साथ जो एक और राजनेता हैं बिहार के, वो लगातार दोहराते हैं कि स्मार्ट सिटी की नहीं स्मार्ट गांव की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं गाँव में भी एक जो क्रांति होती है, विकास की क्रांति, उसे पैदा करने के लिए, विकास की क्रांति को गांव में और तेजी से बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार लगातार फैसला ले रहे हैं। नीतीश कुमार के कैबिनेट है वो भी लगातार फैसले ले रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि इस बार के जो पंचायत चुनाव हैं वो भी ईवीएम से होने को है। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, लेकिन इसको देखते हुए अब जो है नीतीश सरकार ने ये फैसला लिया है कि ये चुनाव जो है ईवीएम से होंगे। इसको लेकर के चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद और जो है विभाग की मंजूरी के बाद जो है स्वीकृति के बाद अब इसे मंत्रिपरिषद में भेजा जाएगा। मंत्रिपरिषद से ये जैसे ही पास हो जाता है, इसके लिए कितने पैसे हैं वो भी बजट बन चुका है, और मंत्रिपरिषद से बस मुहर लगने की देर है। मुहर लगने के बाद जो है इस बार जो पंचायत चुनाव भी होंगे वह भी जो है ईवीएम से होंगे। ईवीएम में कुल 6 पद जो है बनाए जाएंगे, 6 बटन होगा। अगर बात करें तो एक ईवीएम से जो है आप अलग अलग जो पद के लोगों को जो है चुन सकते हैं। इसके साथ ही बता दें कि 6 पदों का जो है चुनाव होता है, 6 पदों पर लोगों का चुनाव होता है, जिसमें एक है मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच,
पंचायत समिति ऐसे और जिला परिषद ऐसे जो है छह पदों का जो है चुनाव किया जाता है। इसको लेकर के कोरोना काल में चुनाव होने हैं, बूथों की भी अलग अलग व्यवस्था है, प्रमंडल बार जो है अलग अलग प्रमंडल में अलग अलग चरण में चुनाव होंगे, साथ ही साथ नए नगर निकाय बनाए गए हैं, नए नगर निगम बनाए गए हैं। तो ऐसे में बिहार जो है एक बार फिर से बिहार के ग्रास रूट लेवल तक जो है, एक बात याद है जब कोरोना की चर्चा करते तो हम लगातार कहते थे हाइपर लोकल लेवल, तो हाइपर लोकल लेवल तक अब जो है विकास की क्रांति पहुंचाने के लिए नीतीश सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाया, तो है ना, हो गई ना नकारात्मक में सकारात्मक वाली बात। बने रहिए भारत लाइव के साथ। सुशासन पूर की ये गाड़ी जो है कल इसी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ रात के 10 बजे आएगी, आज थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन बनेंगे फिर गाड़ी वहीं पहुंचेगी, जब थोड़ा ट्रैफिक होता है तो गाड़ी थोड़ी लेट से पहुंचती है, धुंध का भी कोहरे का भी समय। बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167000। धन्यवाद।